बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम पढ़ेंगे बीएससी बीएस का कैलकुलस। इसका एक्सरसाइज, अगला एक्सरसाइज यानी 1.2 की तरफ हम आते हैं। 1.1 तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे लिमिट। व्हाट इज़ लिमिट, लिमिट क्या है, ठीक है। क्यों हम इसको पढ़ते हैं, इसकी क्या ज़रूरत है, ठीक है, और लिमिट होता क्या है, कब हमने लिमिट जो है वो अप्लाई करना है। अगर हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ हो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस फोर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू, सही है। मैं कहता हूँ कि आप इसकी वैल्यू फाइंड कर दें एट एक्स इक्वल टू टू, टू पर आप इसकी वैल्यू फाइंड कर दें, सही है। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें एफ ऑफ टू इज इक्वल टू टू का स्क्वायर माइनस फोर, टू माइनस टू विच इज़ फोर माइनस फोर, टू माइनस टू मीन्स दैट ज़ीरो ओवर ज़ीरो। इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, ठीक है, ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसा फॉर्म बन गया, अभी हमें कुछ पता भी नहीं है, सही है, कि टू के टू पे इस फंक्शन की वैल्यू जो है वो क्या हो सकती है, सही है। इधर हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो फिर हम क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं। पहले हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, अगर हम एक्स को 1.2 रखें, क्या रखें, 2 के करीब वैल्यू पे हम इसको चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा एफ आप 1.2 इज इक्वल टू 1.2 का स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 1.2 माइनस 4 माइनस 2। आप इसको एक्सपेंड कर दें 1.2 का स्क्वायर, इसको आप एक्सपेंड कर दें, वन पॉइंट टू का स्क्वायर 1.4 आता है, 1.44 और 1.2 माइनस टू माइनस का 0.8। इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे आपको क्या मिल जाएगा, माइनस का 3 बल्कि 2 आएगा, 2.5 डिवाइडेड बाई माइनस 0.8। इन दोनों को आप डिवाइड कर दें हमें क्या मिल जाए, 3.2। इसी तरह अगर हम इसमें एफ आप 1.9 अगर हम इसमें पुट कर दें तो 1.9 का स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 1.9 माइनस 2, 1.9 का स्क्वायर क्या आएगा, 3.61 माइनस पॉइंट माइनस 4 और 1.9 माइनस ये माइनस 0.1 आ जाएगा, माइनस पॉइंट 39 डिवाइडेड बाई माइनस 0.1, ये माइनस माइनस के साथ इन दोनों को आप डिवाइड कर दे क्या आ जाएगा, 3.9 आ जाएगा, सही है। इसी तरह अगर हम इसको एफ आप 1.99 पे चेक कर दें तो ये आ जाएगा 1.99 का स्क्वायर माइनस 4, 1.99 माइनस 2, 3.9601, ठीक है। यानी हमने कहाँ से स्टार्ट लिया, हमने 1.2 से स्टार्ट लिया और हम 2 के करीब आते गए, हमारी फंक्शन की जो वैल्यू है वो 3.2 से जो है स्टार्ट हुई और ये अगर आप देख लें ये 4 के करीब होती जा रही है, ठीक है, 3.2 से स्टार्ट हुई है और 4 के करीब जा रही है। इसी तरह हमने x को 1.2 से स्टार्ट किया, 2 की तरफ हम जा रहे हैं, तो हमारी फंक्शन की वैल्यू जो है वो 4 की तरफ जा रही है। यही हमारे पास, अगर हम x को किसके पास ले जाएं, अगर हम x को 2 के करीब ले जाएं तो हमारी जो फंक्शन की वैल्यू है वो 4 के करीब जो है वो जाएगी, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, लिमिट। यहाँ पे हम लिमिट इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसा फंक्शन है जिसमें अगर हम 2 की डायरेक्ट वैल्यू लगा दें तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं मिल रहा, तो हम क्या करेंगे,
इसकी लिमिटिंग वैल्यू से अंदाज़ा लगाएंगे और एक वैल्यू इसकी निकाल लेंगे, ठीक है। इसको हम किस तरह लिखेंगे, इसको हम इस तरह लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू टू, हमारा जो फंक्शन है जो कि किस चीज़ की इक्वल है, जो कि हमारे पास है एक्स का स्क्वायर माइनस फोर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू, जो है वो फोर के इक्वल आ जाएगा। अगर हम एक्स को टू की तरफ ले जाएंगे तो इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो फोर की तरफ जाएगी, ठीक है, सही समझ आ रही। इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे हमें लिमिट जो है हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, इसको हम लिमिट कहते हैं, ठीक। इसलिए हम, अगर हमारे पास इस तरह का प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने के लिए हमें लिमिट जो है वो लगानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन ऑफ लिमिट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उसको हम समझते हैं। हम कहते हैं कि एक फंक्शन है, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेट टू हैव अ लिमिट एल, जो कि हमारे पास एक रियल है, एक रियल नंबर है, ठीक है। एस अगर हम, अच्छा, एक फंक्शन एफ है, फंक्शन इज सेट टू हैव अ लिमिट एल, उस वक्त इसका लिमिट एल होगा अगर हम एक्स को एज एक्स अप्रोचेस टू ए, ए भी हमारे पास एक रियल नंबर है, ठीक है, एज एक्स अप्रोचेस ए, इफ फॉर एवरी पॉजिटिव एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव डेल्टा सच दैट एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, ठीक है, सही है। हम एफ की लिमिट एल उस वक्त लेंगे जब एक्स अप्रोचेस टू ए होगा, जब हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए एक पॉजिटिव डेल्टा होगा। किस तरह होगा, इस तरह होगा कि एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। इन दिस केस वी राइट, हम इसको किस तरह लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल, ठीक है। इस केस में हम इसको फिर इस तरह लिख सकेंगे, ठीक है, अगर ये कंडीशंस सेटिस्फाइड होती है, ठीक है। अच्छा, इसको हम तीन हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। पहले हम इन दो इनइक्वालिटीज को समझ लेते हैं कि ये क्या है, ठीक है, और ये है, इन दोनों को हम अलग अलग, इनका क्या मीनिंग है, ठीक है। पहले हम इसको समझ लेते हैं, ये हमें कौन सा रेंज दे रहा है, इसका क्या मतलब है, फिर उसके बाद हम इसको ग्राफिकली जो है समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम एप्सिलॉन और डेल्टा के दरमियान जो रिलेशन है इसको हम स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम इस इन इक्वालिटीज़ की तरफ हम आते हैं, ठीक है। ये एक्स माइनस ए इज का एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन डेल्टा, इसको हम कंसीडर कर देते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू को हम ख़त्म कर लेते हैं, तो हमें प्लस माइनस मिल जाएगा एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। अब इसकी दो वैल्यूज़ हमारे पास आ रही है, एक प्लस वाली आ रही है और एक माइनस वाली, एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा और इसकी माइनस वाली, माइनस एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। ए को आप उधर शिफ्ट कर दें, एक्स इज लेस देन ए प्लस डेल्टा, अच्छा ये आ जाएगा माइनस एक्स प्लस ए इज लेस देन डेल्टा, सही है। इसको आप उधर शिफ्ट कर दें, माइनस एक्स, ये आ जाएगा लेस देन माइनस ए प्लस डेल्टा। अब आप इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें, जब आप इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी इनइक्वालिटी जो है वो चेंज, हमने पढ़ी है ना, जब आप माइनस को अप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा एक्स इज ग्रेटर देन, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, इसको जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का आ जाएगा, और ये प्लस का है माइनस का बन जाएगा। इसको अगर हम चाहें इस तरह भी लिख सकते हैं, ए माइनस डेल्टा इज लेस देन
x, x less than a minus delta या x greater than, ये मैंने चेंज नहीं किया, ये चेंज हो गया, ठीक है, a माइनस डेल्टा इज लेस देन x या x ग्रेटर देन a माइनस डेल्टा या x लेस देन a माइनस डेल्टा, ठीक है। अब आप इन दोनों को कंबाइन कर दें, इन दोनों को जब आप कंबाइन करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, a माइनस डेल्टा इज लेस देन x लेस देन a प्लस डेल्टा, यानी x बिलोंग्स टू किस ओपन इंटरवल से ये बिलोंग कर रहा है, ओपन हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इधर इक्वल का निशान नहीं है, ठीक है, इसलिए हम ओपन इंटरवल ले रहे हैं, a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा, यानी x जो है वो कहाँ पर है, a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के दरमियान है, ठीक है, इधर इधर दरमियान वाली वैल्यू पे है, x जो है वो इस इंटरवल के अंदर ही है, ठीक है। जब x इस इंटरवल के अंदर होगा तो f ऑफ x फिर इस एप्सिलॉन वाली इंटरवल के अंदर ही पाया जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका मतलब तो ये है, हमें समझ आ गया। अब हम क्या करते हैं, f ऑफ x वाली इनइक्वालिटी जो है वो सॉल्व कर देते हैं, f ऑफ x माइनस l का एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन, इसको जब हम ख़त्म करेंगे तो ये आ जाएगा f ऑफ x l इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। अब इससे हमें दो इनइक्वालिटीज़ जो है वो मिल जाएगी, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली, f ऑफ x माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन, ये आ जाएगा f ऑफ x, ये l को आप उधर शिफ्ट कर दें लेस देन एप्सिलॉन प्लस l, माइनस को आप उधर शिफ्ट कर दें f ऑफ x माइनस l इज ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन, इस l को आप वहाँ पे ले जाएं f ऑफ x इज ग्रेटर देन l माइनस एप्सिलॉन, या इसको अगर आप चाहें l माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन f ऑफ x। अब आप इन दोनों को कंबाइन कर दें, जब आप कंबाइन करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, l माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन f ऑफ x लेस देन l प्लस एप्सिलॉन, ठीक है, ये हमें मिल जाएगा। अब हम इसको, इसका क्या मतलब है? ये भी ओपन इंटरवल के दरमियान, यानी इस इंटरवल के दरमियान आ रहा है, f ऑफ x जो है वो बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल आप l माइनस एप्सिलॉन कॉमा l प्लस एप्सिलॉन, यानी अगर x इस इंटरवल के दरमियान में आएगा तो उसके सामने f ऑफ x जो है वो फिर इस इंटरवल के दरमियान में ही हमें कोई वैल्यू देगा, ठीक है। अब इसको और बेहतर अंदाज में समझने के लिए हम इसकी ग्राफ की तरफ आते हैं, ग्राफ हम इसका बना लेते हैं, ये हमारे पास एक कर्व है, इस पे एक पॉइंट हमें दिया हुआ है जिसका x जो है वो हमारे पास a है, इसकी f ऑफ a जो है हमारे पास l है, ये किस चीज़ का है, y इज इक्वल टू f ऑफ x का। अब a के अराउंड जो हम इंटरवल ले रहे हैं वो a माइनस डेल्टा व a प्लस डेल्टा, इंटरवल हम क्या ले रहे हैं, a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा हम ले रहे हैं, ठीक है, ये आ जाएगा इसके क्रॉसपॉन्डिंग और ये आ जाएगा इसके क्रॉसपॉन्डिंग, ठीक है। अच्छा ये आएगा l प्लस एप्सिलॉन और ये l माइनस एप्सिलॉन, अच्छा ये इक्वल है ऐसा ना हो कि आपको, ठीक है, l माइनस एप्सिलॉन l प्लस एप्सिलॉन, कहने का मकसद ये है इस इनइक्वालिटी का, अगर x को हम यहाँ पे लेते हैं तो f ऑफ x जो है वो इस इंटरवल के दरमियान ही आएगा, ठीक है, इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ डेल्टा लेंथ है, ठीक है, क्या लेंथ है, डेल्टा, यहाँ से यहाँ तक एप्सिलॉन और ये भी एप्सिलॉन है, ठीक है, यानी अगर हम f ऑफ x x को यहाँ पे ले तो इसके सामने हमारे पास एक ऐसा एप्सिलॉन होगा जिसमें जिसके अंदर ही हमारे पास f ऑफ x की वैल्यू होगी, सही, ये एप्सिलॉन लेंथ है, ठीक है। अब f ऑफ x फॉर एग्जांपल यहाँ पर है, किधर है, ये जो पॉइंट मैंने लगाया हुआ, सही, आप x इस जगह पर है, इसके सामने वाले पॉइंट पर f ऑफ x हमारे पास इधर आएगा। अब आप x और a के दरमियान डिस्टेंस निकाल दें तो वो डेल्टा से कम है या नहीं है, x और a के दरमियान डिस्टेंस ये है, जबकि डेल्टा जो है वो इस सारे डिस्टेंस को रिप्रेजेंट, यानी जितना आप इसके करीब होते जाएंगे
तो हमारे एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या होगा, इस एल के करीब होता जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप एफ ऑफ एक्स को देख लें, एफ ऑफ एक्स मसलन हमें यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स और एल के दरमियान जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन से आपको कम नज़र आ रही कि नहीं आ रही, कम है ना, सही है। हम एक आर्बिट्री डिस्टेंस ले रहे हैं, ये डेल्टा और एप्सिलॉन। अच्छा, ये एप्सिलॉन और डेल्टा जो है वो बहुत ही कम है, बहुत ही स्मॉल नंबर है। इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा बड़ा चढ़ा करके, थोड़ा सा बड़ा करके हमने इसको लिखा हुआ है, ठीक है, ताकि आपको सही समझ आ जाए। सही है, समझ इसकी आ गई। अब एप्सिलॉन और डेल्टा के दरमियान क्या ताल्लुक है? कुछ केसेस में हमारे पास एप्सिलॉन और डेल्टा जो है वो इक्वल होते हैं, और कुछ में हमारे पास एप्सिलॉन और डेल्टा आपस में इक्वल नहीं होते। इसके एक दो छोटे छोटे एग्जाम्पल और आसान एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। पहला एग्जाम्पल हमारे पास है, अगर एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक्स हो, इस केस में हम देख लेते हैं कि एप्सिलॉन और डेल्टा जो है वो हमारे पास क्या आते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा जो कि ओरिजिन में से गुजर रहा है, वाई इज इक्वल टू एक्स। अगर हम यहाँ पे ए ले, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए विच इज़ एल, और एल किस चीज़ की इक्वल है, ए की इक्वल है ना। एक्स की जगह पे आप ए लिखें, वाई भी ए आ जाएगा ना। एक ये पॉइंट है, एक हमारे पास ये है, ये ए प्लस डेल्टा और ये ए माइनस डेल्टा। इसके सामने एल प्लस एप्सिलॉन और इसके सामने एल माइनस एप्सिलॉन, ठीक है। अब आप एक्स की जगह पे यहाँ पे ए माइनस डेल्टा लिख ले तो वाई क्या आ जाएगा, ए माइनस डेल्टा, सही है। अगर हम एक्स को ए माइनस डेल्टा मान लें तो यहाँ पे पुट कर दें, यानी इधर हमें क्या मिल जाएगा, ए माइनस डेल्टा। इसी तरह अगर हम x को a प्लस डेल्टा लिख लें और इसमें पुट कर दें, y हमारे पास a प्लस डेल्टा आ जाएगा, यानी ये पॉइंट a प्लस। अब इस केस में हमारे पास एप्सिलॉन और डेल्टा जो है वो एक जैसे आ रहे हैं। इसी तरह अगर हम इसको चेंज कर दें, y को अगर हम 2x लें, क्या लें, अब हम देखते हैं कि एप्सिलॉन और डेल्टा इक्वल आते हैं या नहीं आते। अब ये थोड़ा सा ऐसे ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास सपोज दैट ए है, ये ए प्लस डेल्टा है और ये ए माइनस, ठीक है, ये एल माइनस एप्सिलॉन, ये एल और ये एल प्लस एप्सिलॉन। वाई इज इक्वल टू टू एक्स हम लाइन ले रहे हैं, ठीक है। अगर हम एक्स की ये वाली वैल्यू यहाँ पे लगा दें तो वाई हमारे पास क्या आ जाएगा, टू इंटू ए माइनस डेल्टा, y इज इक्वल टू टू ए माइनस टू डेल्टा, यानी इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, टू ए माइनस टू डेल्टा, और a क्या है, टू l हमारे पास टू a है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो इधर भी हमें टू ए प्लस टू एप्सिलॉन मिल जाएगा, ठीक है, सही है, टू डेल्टा। मीन दैट एप्सिलॉन जो है वो टू डेल्टा की इक्वल आ रहा है। एक तीसरा केस भी अगर आप देखना चाहें तो देख लें, y इज इक्वल टू हाफ ऑफ x। इस केस में हमारे पास एप्सिलॉन जो है वो हाफ, यानी इसका मतलब ये हुआ कि एप्सिलॉन जो है वो डेल्टा की इक्वल तो नहीं आ रहा, सही है। इस केस में हमारे पास एप्सिलॉन जो है वो हाफ ऑफ डेल्टा आ जाएगा, ठीक है, यानी एप्सिलॉन और डेल्टा जो है वो इक्वल नहीं है। तो कहने का मकसद ये हुआ कि कुछ केसेस में हमारे पास एप्सिलॉन और डेल्टा जो है वो इक्वल आते हैं, कुछ में इक्वल नहीं आते, और ये इनके दरमियान रिलेशन होता है, ठीक है। हर डेल्टा के सामने एक एप्सिलॉन डिस्टेंस होगा, ठीक है।